एक्टर देखने को मिल रहा है जहां पर सिंगल है उसको डबल में कन्वर्ट कर रहे हैं जितेंद्र और नितेश। 31 रनों की पार्टनरशिप अब तक की है और टोटल स्कोर इस वक्त हम देखें तो 45 रन 45। उसी बीच वहां पर पुल कर दिया इस गेंद को, देखते ही रह गए खिलाड़ी और गेंद चले गई गार्डन में सैर करने के लिए 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया शॉट वहां पर एक बार फिर से आता हुआ नितेश के बल्ले से, तेजी से छलांग मारता हुआ इस सिक्सर की मदद से स्कोर 51 रनों पर, 28 रनों पर पहुंच चुके इस वक्त नितेश। महंगा ओवर घटता हुआ यहां पर लास्ट ओवर में प्रकाश का, इस बार सफल होकर खेलना चाहते थे वहां पर, गेंद की लाइन से दूर होकर खेलना चाहते थे। तो इसी के साथ पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बने हैं यहां पर 51 और 52 का टारगेट रहेगा। आइए अब अगले टॉस की तरफ हम बढ़ते हैं जहां पर खेलने वाली टीमें अंबाड़ी स्पोर्ट्स और बॉक्सर इस 11। मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा सलमान खोदकर और उनके साथ में समीर शेख। सलमान खोदकर जी और समीर शेख साहब से मैं कहूँ आपको टॉस के लिए आना है जहाँ पर खेलने वाली टीमें अंबाड़ी स्पोर्ट्स और बॉक्सर 11। सलमान खोदकर जी और समीर शेख साहब इस वक्त हमसे जुड़ते हुए। ये सिक्का मैं बता दूं, एक तरफ है 9 स्टार और दूसरी तरफ है 11 ट्रॉफी। एवन ट्रॉफी कहना यहाँ पर अंबाड़ी स्पोर्ट्स का और आया भी है एवन। ये सिक्का आपको देना है अंबाड़ी के कैप्टन को। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान जी आपका और समीर जी आपका। तो टॉस को जीता है यहाँ पर अंबाड़ी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने, टॉस जीता है, क्या करना चाहोगे? फील्डिंग। फील्डिंग करने का आपने फैसला लिया है। जो सामने वाली टीम है बॉक्सर 11 मापोली की टीम है, उनका ये होम ग्राउंड भी है, तो इन्हें कहाँ तक आप रोकना चाहोगे? 35 पे रोकने के लिए वो आपके पास चार कौन से गेंदबाज है? रोशन है, हरेश है, सूरज है और प्रयाग है। देखिए जब आपकी टीम फील्डिंग कर लेंगी उसके बाद जब बैटिंग के लिए आएंगी तो वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआती ओवर में आपको अच्छा स्टार्ट देंगे? प्रशांत है, प्रयाग है, मैं खुद हूँ। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? टूर्नामेंट तो बहुत अच्छा है और अदनान भाई का शुक्रिया करूँगा और जुनैद भाई के, हमें ये मौका मिला खेलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ बॉक्सर 11 के कैप्टन आतिफ हलवे। आतिफ भाई आपने टॉस हारा, आपको बल्लेबाजी दी गई, आप टॉस जीते तो आप क्या करते? हम बल्लेबाजी करने वाले थे। आप बल्लेबाजी करने वाले थे तो आपको बल्लेबाजी दी गई है। 4 ओवर का ये मुकाबला है तो कितने रन बनाना चाहेंगे आप? 40-45 तक बनाने की कोशिश करेंगे हम। 42-45 के बीच में जो शुरुआत आपको देंगे वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे? दादा डॉन है, आरिफ है, मैं खुद हूँ और अच्छे प्लेयर्स हैं हमारे टीम में, इंशाल्लाह अच्छे खेलने की कोशिश करेंगे। देखिए ये जो टीम है बॉक्सर 11 ये आप ही की टीम है, तो जो हमारा मैन ऑफ द मैच है वो भी आपने स्पॉन्सर किया है, लेकिन क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में आप? टूर्नामेंट तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत बच्चों ने मेहनत की इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल करने के लिए और अल्लाह ने कामयाबी दी है और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह कामयाबी देगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है अंबाड़ी स्पोर्ट्स के कैप्टन ने और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स।
थैंक यू मजहर खान। दोस्तों एवन ट्रॉफी 2020 में आपका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, हार्दिक स्वागत है। 52 के लक्ष्य का पीछा करने उतरे दोनों ही सलामी बल्लेबाज संजय और जितेंद्र, जबकि पहला ओवर लेकर आ रहे गेंदबाज अनिकेत। पहली गेंद लो फुल टॉस गेंद थी, मोड़ दिया है गेंद को ऑन साइड पर, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश, एक रन पूरा हुआ। इस एक रन से अपना अपनी टीम का खाता खोला है संजय ने। वेलकम तौसीफ पटेल, वेलकम मिस्टर रऊफ सैयद, एवन ट्रॉफी में आपका स्वागत है नाइन स्टार ग्रुप की तरफ से। अनिकेत इस बीच अगेन पुल कर दिया गेंद को मिड विकेट की दिशा में, पहले बाउंस में गेंद को उठाया, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, बढ़िया थ्रो, विकेट कीपर कलेक्ट नहीं कर पाए, लेकिन एक ही रन से दोनों ही बल्लेबाज संतुष्ट। इस एक रन से दो पर पहुंचा स्कोर, इस एक रन से जितेंद्र ने अपना खाता खोला, दो पर पहुंचा स्कोर, 52 रनों के लक्ष्य का पीछा कर रही है इस वक्त। हर्ष 11 डोंडा वरोली, छोटी गेंद पुल और सीधा फील्डर के हाथों में आउट हो गए बल्लेबाज जितेंद्र। संजय पहला झटका लगता हुआ संजय के रूप में हर्ष 11 को। नए बल्लेबाज यश जा रहे बल्लेबाजी के लिए, दो रनों पर पहला झटका लगाया हर्ष 11 डोंडावरोली को। न्यू गांव देवी अंजूर के कोई भी खिलाड़ी या कप्तान आकर कमेटी से संपर्क करे तुरंत। न्यू गांव देवी अंजूर के खिलाड़ी या कप्तान कमेटी से संपर्क करे। इस बीच अगेन गेंद को मोड़ दिया है मिड विकेट की दिशा में, गेंद तेज और फील्ड पर सरकती हुई, एक रन बना, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बीच तेज गेंद लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर शाहिद मोमिन ने, स्कोर में एक रन से इजाफा होगा, तीन पर पहुंचा स्कोर। इस बीच अगेन लेग स्टंप से बाहर, वाइड घोषित किया अंपायर ने, स्कोर में एक रन से और इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर, पांच पर पहुंचा है, एक विकेट के नुकसान पर 52 रनों के लक्ष्य का पीछा करी हर्ष 11 डोंडावरोली। पहली ओवर का खेल चल रहा है, स्कोर केवल 5 रन। यश सामना कर रहे हैं। इस बीच अगेन लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे बीट हुए और डायरेक्ट हिट, आउट हो गए बल्लेबाज यश, दूसरा झटका यश के रूप में।
आसिम को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। इस बीच अगेन बोल्ड, पांचवा झटका। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशातून घुमला राष्ट्रवादी पुन्हा। प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने, एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा। आवाज कोणाचा, आवाज जनतेचा, ताही दिशा। पांचवा झटका 13 रनों पर। बढ़िया गेंद, अपील और अंपायर का इशारा आसमान की ओर, तू चल मैं आया। लगातार विकेटें गिर रही है आरएस 11 की। तेरह रनों पर छठा झटका। नए बल्लेबाज नीलेश है बल्लेबाजी के लिए। सामना करे आसिम का, हैट्रिक पर है आसिम, देखना है पूरी करते या नहीं। इस बार बल्ले के मुंह को खोला, बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाला है, गेंद जा रही है डीप में, खिलाड़ी गेंद के पीछे, अब जाकर गेंद को उठाया, दो रन पूरे। इन दो रनों से स्कोर 15 रनों पर पहुंचा है, 6 विकेटों के नुकसान पर। नौ गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए 37, 37 रनों की अभी भी जरूरत है। आसिम मुड़ते हुए, इनसाइड आउट खेला है, फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस बीच अगेन गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड पर, खराब थ्रो, एक रन बना, ओवर थ्रो दूसरे के ले जा रहे और आसानी के साथ दो रन पूरे किए। इस बीच अगेन लॉन्ग ऑन पर गेंद को उठाया, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। एक तरफा मुकाबला चल रहा है, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर केवल 19 रन, 6 विकेटों के नुकसान पर। अल्पेश आए गेंदबाजी के लिए, तेज तरार गेंद, जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेट कीपर के पास डॉट के रूप में। 5 गेंदे बची और जीतने के लिए रन चाहिए 33। अब अगर 5 छक्के भी लगे तो ढोंडा वरोली मैच को नहीं जीतती। इस बार फोर्स करके खेला है गेंद को लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद है, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं, केवल औपचारिकता अब रह गई है इस मुकाबले में। दर्शक भी धीरे धीरे हमसे जुड़ते हुए, वेलकम मिस्टर कामरान भाभे। इस बार बैकफुट पे जाके खेल दिया गेंद को हवा में,
इनफील्ड के ऊपर से गेंद जा रही है डीप कवर पर, दो रन पूरे। इस बीच ये गेंद नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बड़ी देर की मेहरबान आते आते अब हार और जीत के फासले को कम किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरती के साथ निकाल दिया था गेंद को। अच्छी वापसी, अच्छी गेंद, बीट किया बल्लेबाज को, डॉट गेंद। आखिरी गेंद और जीतने के लिए रन चाहिए 26। लेग स्टंप से बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। अभी भी गेंदबाज नहीं चाह रहे कि कोई बड़ा स्ट्रोक लगे। अच्छी गेंद और इसके साथ इस मैच को जीत लिया है बजरंग पहाड़े ने। कॉन्ग्रेचुलेशन बजरंग पहाड़े एंड हार्ड लगा हर्ष 11 डोंडा वरियोली। इस मैच के मैन ऑफ द मैच है नितेश, इज द मैन ऑफ द मैच। 27 रनों की पारी खेली अपने टीम के लिए, बढ़िया बल्लेबाजी। नितेश आपको मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लेने स्टेज पर आना है। कमेंट्री बॉक्स में प्राउड ऑफ बियॉन्डी क्रिकेट सिद्दीक बाबे सर का आगमन होता हुआ। वेलकम बैक बाबे सर। महीनों बाद हम दफ्तर आ रहे हैं, हम एक दर्द से बाहर आ रहे हैं। कहां सो गया चौकीदार मेरा, ये कैसे लोग अंदर आ रहे हैं। क्या बात है नबील दिवकर, आइए दोस्तों मापोली इवेंट ट्रॉफी 2020 में हम मैन ऑफ द मैच देने जा रहे हैं। और नाजिम काशिफ अलबे, ये बहुत ही खूबसूरत मापोली इवेंट ट्रॉफी एवन खेल के लिए ये मेडिकल एसेंस बैग दिया जा रहा है आतिफ अलबे स्पॉन्सर। न्यू सिद्धि विनायक अंजूर, अगर हमारे बीच आई हो तो आपको कमेटी से कांटेक्ट करना है। न्यू सिद्धि विनायक अंजूर, बैक टू क्रिकेट नाउ, वेलकम ऑल ऑफ यू एंड गुड आफ्टरनून। यू आर वॉचिंग आफ्टरनून सेशन इन मापोली A1 ट्रॉफी 2020। वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रॉम मापोली 9-star A1 ग्रुप। मोहम्मद भाबे जॉइंड अस इन कमेंट्री फॉर ऑफिशियल स्कोरर। ये आप देख सकते हैं जारा ऑटो कंसल्ट, जैना इंटरप्राइजेस, एपी इंटरप्राइजेस, फातिमा इंटरप्राइजेस, प्रिंस मूवीज लाइफ, एफटी मोटर्स, शीतल हर्बल, ए प्लस हलबे गैस डीलर, अक्वा प्राइम, इंशा मेडिकल, भाबे मोटर्स,
रॉयल स्टील, एम के बिल्डर्स, इन सभी का विशेष धन्यवाद, खुसूसी शुक्रिया। ऑनफील्ड अंपायर, अंपायर हॉट शकील कोटी एंड अंपायर अहसान मोमिन। वार्म आफ्टरनून एंड वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन मापुरी एवन ट्रॉफी। शॉर्टली वॉइस ऑफ इंडिया हरेश पंड्या ज्वाइनिंग विथ अस।